दूसरों से कंटेंट निकाल कर शेयर करना। उसके बाद समझ स्पॉटेड मी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई व्लॉग्ड एनीथिंग, लाइक बहुत दिन बाद मैं ऑनेस्टली व्लॉगिंग कर रही हूँ, बट आई रियली वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस व्लॉग, आई वॉन्टेड टू गेट बैक टू व्लॉगिंग एंड आई रैंडमली थॉट कि चलो आज से शुरू करते हैं एंड आई स्टार्टेड इट। बट बिफोर ना दैट, इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन हाई, आई एम निधि, आई क्रिएट वीडियोज ऑन ब्यूटी लाइफ स्टाइल स्किन केयर हेयर स्टाइल एंड अ लॉट मोर, सो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन यू आर गोना कंटिन्यू दिस व्लॉग। सो बिफोर आई स्टार्ट द व्लॉग, आई एम गोना शो यू कि मेरे घर पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, सो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ एंड उसके बाद हम बात करते हैं, बिकॉज आज के व्लॉग में मुझे बहुत कुछ बात करना है आप लोगों के साथ। सो चलिए पहले मैं आपको फूल दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप इस पेड़ को देखिए, ओ माय गॉड, इट्स फ्लावरिंग एंड हाउस सो प्रिटी, लाइक इसमें और ज़्यादा फूल थे ऐसे गुच्छों गुच्छों में और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको एक फ्लावर का क्लोजअप भी दिखाऊंगी, वेरी 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 प्रिटी। इस सब का क्रेडिट क्लियरली मेरे मॉम को जाता है, बिकॉज शी इज़ अ प्लांट लवर, आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट बट शी इज़ अ प्लांट लवर एंड वो ही इनको मेंटेन करती है, दैट्स द रीज़न दे आर लुकिंग सो प्रिटी। मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ एक फूल को, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, वेरी वेरी प्रिटी दिस फ्लावर इज। इसके वजह से हमारा जो सीढ़ी है वो कम्प्लीटली ऐसे फ्लावर से बिछा हुआ रहता है, कभी कभी तो बहुत सुंदर दिखता है। एंड देन ना यहाँ पे भी आप देखिए हाउ प्रिटी, देन वी हैव दिस, लुक एट दिस, सो प्रिटी। बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्लावरिंग वाले हैं, बहुत सारे कुछ और यूजेस के हैं, डिटेल में ऑनेस्टली मेरे मॉम को ही पता है, कभी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी, बट आई लव्ड दिस फ्लावर, सो इसलिए मैंने सोचा मुझे आप लोगों को दिखाना था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एक रुकिए मैं कैमरा को टर्न करती हूँ, देन हम बात करते हैं। ओके, सो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस फ्लावर्स के साथ कुछ हेयर स्टाइल शूट करूंगी, बट देन ऑफ कोर्स आई डिडंट एंडेड अप डूइंग इट। ओके, सो लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि आज के व्लॉग में मुझे बात करनी है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड आई थिंक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, जो मैंने शुरू की थी तब आई यूज़ टू शेयर अ लॉट ऑफ DIY एंड स्टफ लाइक दैट एंड आई ऑलवेज गॉट सो मच लव फॉर यू फ्रॉम यू गाइज एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। देन उसके बाद ओके, समवन जस्ट स्पॉटेड मी, एनीवेज आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, सो सेकेंड थिंग इज कि उसके बाद आई वेंट टू बैंगलोर एंड ऑल दैट हैपेंड एंड मैंने कम्प्लीटली यू नो व्लॉग करना शुरू किया, दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। सो आई एम अ पर्सन हु इज़ लाइक ऑलवेज वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट पिकिंग अप द कैमरा एंड स्पीकिंग, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट अदर पीपल, आई डोंट लाइक टू यू नो कैमरा को लेकर दूसरों के दूसरों से कंटेंट निकाल कर शेयर करना। आई मेक श्योर इवन इफ आई एम टेकिंग एनी ऑफ माई फ्रेंड्स इन द व्लॉग, आई आस्क देम इफ दे आर कम्फर्टेबल कैमरा में आने के लिए एंड देन ओनली आई व्लॉग देम, सो आई एम लाइक दैट। तो एंड ऑल्सो आई लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ माई लाइफ वेरी वेरी पर्सनल, बिकॉज आई नो हाउ टॉक्सिक दिस होल इंटरनेट थिंग कैन बी, सो इसलिए कुछ टाइम बाद आई काइंड ऑफ यू नो डिक्रीज्ड व्लॉगिंग अ लॉट एंड देन आई केम बैक टू वट आई वॉज गुड एट एंड वॉट आई लव डूइंग विच इज़ स्पीकिंग। सो मैं यू नो रूटीन में ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ बनाती थी मेकअप के स्किन केयर के एंड ऑल दैट, नाउ मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रिसेंटली आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आई रियली मिस व्लॉगिंग, बिकॉज यू नो वैसे वीडियोज़ में स्किन केयर मेकअप वो सब में आप आई वोंट से कि आप फेक होते हो, बट यू आर जस्ट यू आर आई फील आई डू नॉट कनेक्ट विथ माई ऑडियंस उस लेवल में जैसे मैं व्लॉग में करती थी। सो आई हैव डिसाइडेड दैट इवन इफ देर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन माई लाइफ जस्ट लाइक राइट नाउ, बट स्टिल आई एम गोना व्लॉग वट एवर आई सी वट एवर हैपन्स एंड हाउ मच आई कैन शेयर। अभी भी आई एम नॉट गोना बी लाइक यू नो शोइंग एवरी थिंग एंड ब्रिंगिंग एवरी वन ऑन कैमरा बिकॉज दैट्स नॉट मी, सो आई एम जस्ट गोना व्लॉग हाउ मच वट एवर आई लाइक एंड हाउ आई लाइक एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे, बिकॉज यू नो
एक पीस ऑफ कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एंड अगर उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो प्लीज़ आई एम सॉरी अबाउट द एंगल, आई एम नॉट कीपिंग माई फ़ोन कहीं भी, इट्स ऑन माई हैंड, इसलिए लो एंगल में है. बट या सो एज आई वाज टेलिंग कि बहुत अच्छा लगता है जब यू नो लोग आपके मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं एंड पीपल लाइक इट. सो अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे, इसके लिए थैंक यू वंस अगेन. आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर ऑल दैट लव. बट या आई वॉन्टेड टू पुट इट आउट देर. आई रियली मैंने ना एक बार ये भी सोचा था कि आई विल डू डेली व्लॉगिंग, लाइक एवरी डे एक वीडियो डालूंगी. अभी भी मैं सोचती हूँ ऑनेस्टली ये चीज़, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं. आई थिंक डेली वीडियो डालना इज अ कमिटमेंट, लाइक इफ आई से इट वंस कि आई एम गोना पुट डेली वीडियोज देन आई हैव टू डू इट. मैं एक दिन भी नहीं छोड़ सकती हूँ बिकॉज दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट टू द ऑडियंस एंड आई कैनॉट डू दैट. सो इसलिए आई नेवर अनाउंस दैट, बट आई एम गोना ट्राई इफ आई कैन डू इट, लेट्स सी. अगर होता है तो इट्स गोना बी ऑर्गेनिकली, आई एम नेवर गोना अनाउंस इट. आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो. एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना स्पीक फॉर एनी वन एल्स, आई एम जस्ट गोना स्पीक फॉर मी, माई चैनल, माई ओपिनियन एंड माई व्यूज. सो वट आई हैव ऑलवेज थॉट कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग ना हो या कुछ इंटरेस्टिंग जगह ना जा रही हो तो आई यू नो आई डोंट प्रेफर व्लॉगिंग जस्ट कि आई गॉट अप, मैंने ये खाया, वहाँ गई, दिस दैट. आई डोंट लाइक इट पर्सनली. बट मैंने भी सोचा है बिकॉज ऑडियंस के साथ हमें कनेक्ट करना है, हमें रियल साइड दिखाना है, दैट इज़ द रियलिटी, राइट. एवरी डे उठकर हम कोई सुंदर से जगह नहीं चले जाते हैं. एवरी डे इज़ ऑफकोर्स नॉर्मल फॉर आपके लिए भी, मेरे लिए भी. सो वाई नॉट शेयर दैट. तो इसलिए आई हैव थॉट कि मैं आई विल गेट बैक टू व्लॉगिंग विद ऑल दैट एक्साइटमेंट विच आई यूज टू हैव स्टार्टिंग में. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मेरे बाकी वीडियोस थे जो कि मेरे मेकअप के हो या ऐसे यू नो लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस हो, वो ज़रूर आएंगे वेन एवर आई गेट सम आइडिया एंड आई शूट इट. आई एम ऑफकोर्स गोना अपलोड दैट, वो आते रहेंगे टाइम के साथ साथ. बट व्लॉगिंग इज़ गोना गेट बैक एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे. सो शुरू करते हैं इस व्लॉग को. बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है एंड अब मुझे गर्मी भी लग रही है. सो आई थिंक वी शुड गो इन एंड कंटिन्यू द व्लॉग. हेलो एवरीवन. सो यस, मैं खा कर अच्छा खासा सो गई थी एंड आई जस्ट गॉट अप थोड़े टाइम पहले. इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स अबाउट टू बी 6 नाउ. ओ गॉड, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट स्लीप यूजुअली दिन को. आई डू समटाइम्स बट मोस्टली आई ट्राई कि मैं दिन को ना सोऊं, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है तो मैं सो गई थी. पिछले 2 दिन से आई वॉज ऑल्सो लो बिकॉज आई हैड फीवर एंड ऑल दैट, बट नाउ आई एम बेटर, गुड. एंड सो यस, अभी मैं उठी हूँ एंड अभी आ रहा है मेरा चाय, तो मैं पीऊँगी अपनी शाम की चाय. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरी सुबह की चाय और उसके बाद मेरी शाम की चाय, तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद इट. तो अभी मैं वो पीऊँगी एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं. देखिए जो है कैसे बैठ कर मुझे जज कर रहा है कि मैं किससे ही बातें कर रही हूँ. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए ऐसे देख रहा था मुझे जॉय से, हाय. इसका भी अभी अभी गुड मॉर्निंग हुआ, आई मीन दिन को ये भी सो गया था. वेन एवर आई स्लीप ही हैज़ टू स्लीप, राइट. चलो एंड अब हो गया इसके शाम का जो वॉक है उसका टाइम. सो आई एम गोना टेक हिम फॉर हिज वॉक. कहाँ गया ये देखिए, दैट्स हाउ ही स्टैंड एंड सीज एवरीवन. देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे घर की, मंदिर की. यस, दैट्स हाउ इट लुक्स. पूजा हो चुकी है, दिया यहाँ पे जल रहा है. शाम को होती है पूजा एंड सुबह भी, सो ट्वाइस अ डे. सामने से ये है मंदिर का लुक एंड पीछे भी छोटा सा एक मूर्ति है, उनका भी पूजा हो चुका है. एंड इफ एनी ऑफ यू आर वंडरिंग कि कौन से भगवान जी का टेम्पल है, तो इट्स श्री राजा राजेश्वरी टेम्पल. प्रिटी राइट. ओके सो अभी हम जाते हैं अंदर बिकॉज मुझे चाहिए मुझे ओके सो अभी हम जाते हैं अंदर बिकॉज मुझे चाहिए मेरी शाम की चाय. ओके सो ये रही मेरी शाम की चाय, चले पीते हैं हम.
सो मैं अभी जा रही हूँ बाहर एंड देखते कहाँ जाते हैं एंड इंटरेस्टिंग हुआ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चलते चलते हम आ गए मैं नानी के घर, चलते अंदर, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। मैं ना आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। देखिए कंप्लीट व्यू दिखता है। गया मिल लिया मैंने सबसे एंड नाउ लेट्स गो। कॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं मोमो खाऊं, तो चलिए चलते हैं। टुडे मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ। गाइस पोर्टलैंड में भी होता है ट्रैफिक जाम, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्रैफिक जाम अपडेट गाइस, हम अभी भी ट्रैफिक में, मैं दिखाती हूँ। आई डोंट नो कि पोर्टलैंड में इतना ट्रैफिक जाम होता है। ओके सो एक्चुअली ट्रैफिक जाम था क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। देखिए डिवाइडर का काम, इसलिए था ट्रैफिक जाम एंड नाउ इट्स क्लियर। कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ, चलो घर चलो चलो घर चलो, बस बहुत हो गया, चलो घर आओ। अरे ओके सो चलिए मैं इसी नोट पे आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ। आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।